आपका फिर से स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यह जो है थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो है हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिया है, वो भी जो है फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल था बहुत ही अच्छा एनिमेशन के साथ, और सेकंड पार्ट जो है प्रैक्टिकल टॉपिक चल रहा था उसी का ये थर्ड पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो है आपके जो ये एग्जाम में जो है एनुअल एग्जाम में हो या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो है इस यूनिट के अंतर्गत जो है एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है, जो थ्योरी एग्जाम में भी आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका सारा जो डाउट है और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वन लाइनर लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इस यूनिट से पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके बाद का जो हमारा जो टॉपिक था वो था फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। हमने वर्कशीट बना लिया, हमने उसमें डेटा एंट्री कर लिया, लेकिन हमारा वर्कशीट कैसे दिख रहा है? अगर हम इसको प्रिंट आउट लेते हैं या देखते हैं तो ये जो है बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वर्कशीट में जो है फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसमें अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की बात करें कि कई बार हमारा जो डेसिमल प्लेस है यहाँ पे 3 प्लेसेस है, यहाँ पे जो है 1 प्लेसेस है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस है ही नहीं। तो कैसे हम जो डेसिमल प्लेस को इंक्रीज डिक्रीज या जो है हम सबको इक्वल कर सकते हैं, कैसे हमारा वर्कशीट जो है बहुत ही अच्छा लग सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जो ऊपर में हमने जो टाइटल डाला है, जैसे मैंने ये जो है रिजल्ट मैं बना रहा हूँ क्लास 7 पीरियोडिक टेस्ट का। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो सीट है देखने में इतना अट्रैक्टिव रखे कि मैं इसको प्रिंट आउट कहीं पे ले जाऊँ तो प्रिंट आउट करके दूँ तो ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो है फॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो नीचे का जो फॉन्ट रहेगा वो अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से दिखाई दे। तो ये तो आपको मालूम होगा कि फॉन्ट कहाँ से चेंज करते हैं, तो यहाँ से जाके आप जो है आपको जो अट्रैक्टिव फॉन्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे फॉन्ट का साइज देख लेते हैं कि फॉन्ट का साइज जो है 14 फॉन्ट का साइज जो है बेस्ट फॉन्ट माना जाता है, तो यहाँ पे हम 14 फॉन्ट के साइज को ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है फॉन्ट का साइज भी हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे फॉन्ट का साइज सेलेक्ट किया, कुछ जो है यहाँ पे जो है कंटेंट है वो दब जा रहे हैं, कुछ जो है यहाँ पे जो है बड़े स्पेस ले रहे हैं, जैसे ये इसमें जो है कम स्पेस में आ जाना चाहिए, तो इस तरीके का भी अरेंजमेंट हम देखेंगे। अब ये तो हमने देख लिया, अब इसमें क्या रहेगा, ऊपर का जो टाइटल है समझो, ये रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, ये वाला जो है हमारा जो हेडिंग है तो इसको हम बोल्ड में कर देते हैं, तो ये बोल्ड में हो गया। फिर इसके अलावा जो है ऊपर का जो टाइटल है उसका भी हमको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अलाइनमेंट जो है इसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं आपको दिख रहा होगा, तो सेल को मर्ज करना होता है, यानी एक जो मल्टीपल सेल है उसको एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितने सेल को कन्वर्ट करना है उतने सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मर्ज एंड सेंटर सेल, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो जितने भी सेल थे वो एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। अब हमारे पास फुल स्पेस है और हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है आसानी से इसका फॉन्ट का साइज जो है इसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर का हेडिंग है, साथ ही साथ इसका जो यहाँ पे जो फॉन्ट रहेगा उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो भी फॉन्ट हमको अच्छा लगे, इस टाइप का फॉन्ट या जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हेडिंग हो गया और यहाँ पे भी जो है हमने क्या कर लिया, हो सकता है कि आपको इटैलिक की जरूरत है, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना रहेगा तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो ऊपर में जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे दिख रहा होगा, हिंदी जो है वो क्या हो रहा है कि कुछ कंटेंट जो है दब जा रहे हैं, अगर हम बड़ा कर रहे हैं तो पेज में जो है दूसरे पेज में जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है इसको क्या करेंगे, नीचे हमारे पास स्पेस है लेकिन राइट साइड में जो है स्पेस नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इतने जितने डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। फॉर्मेट में चले जाने के बाद यहाँ पे सेल हमको दिखाई दे रहा है, सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आ गया, तो इसमें भी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट, हम यहाँ पे आ जाते हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री क्या कर देते हैं, इसको जो है वर्टिकल जो है यहाँ पे स्केल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ओके करता हूँ
तो इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो है स्पेस बच जाएगा। अब ये स्पेस बच गया है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट को अरेंज किया जा सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ऊपर का जो हेडिंग है उसमें हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से जाके जो है बैकग्राउंड हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड में कलर डालने का। तो कुछ क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर रहेगा तो इस टाइप का कुछ कलर आप ले सकते हैं। ज़्यादा ये जो है डार्क हो गया तो कम डार्क हमें ले सकते हैं यहाँ से। तो कुछ इस टाइप का कलर जो है आप ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम को भी अगर करना है आपको, ऐसे चेंज करना है वर्टिकली, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको भी वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है। अब ये हो गया। अब रोल नंबर को हमको अगर इसको सेंटर में लाना है तो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला जो कंटेंट है उसको भी हमको सेंटर में लाना है तो यहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे के कंटेंट में देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर हमने टाइप किया है, नंबर हमेशा जो है राइट जो है अलाइनमेंट को लेता है। बाय डिफॉल्ट जो है नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। वहीं पे टेक्स्ट देखें तो टेक्स्ट का पोजीशन जो है आपके सेल के हिसाब से वो लेफ्ट पोजीशन में रहता है। तो टेक्स्ट के लिए जो है डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और नंबर के लिए जो अलाइनमेंट होता है राइट साइड होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में आए हैं, ये लेफ्ट साइड में नहीं आके सारे कंटेंट जो नंबर्स हैं वो राइट साइड में आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो ये हमको इससे पता चलता है। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे कि हमारा जो ये परसेंटेज है इसका, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसी के कारण हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं दिख रहा है डेसिमल प्लेस के कारण। तो इसको चेंज करने के लिए हमको सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हमको मिल जाएगा, सेल्स में चले जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमको मिल जाएगा नंबर का ऑप्शन। नंबर में जाने के बाद यहाँ पे हमको नंबर जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं था। हम इसको डेसिमल प्लेस जितना आप लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से डेसिमल प्लेस जो है 2 डिजिट तक जो है बेस्ट रहता है। यहाँ पे मैंने 2 सेलेक्ट किया और इंटर किया। अब उसके बाद दिखेगा पूरा कंटेंट जो है डेसिमल प्लेस जो है 2 की वैल्यू में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहता है कि यहाँ पे जो है अभी हमारा सेल ऐसा था, हमने यहाँ पे जाके जो है डबल क्लिक किया, तो जैसे डबल क्लिक किए तो जितना स्पेस इसको चाहिए उतने स्पेस में वो कंटेंट जो है आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, ऑटो जो है फिट हो जाता है जितना कंटेंट को चाहिए। अब यहाँ पे हमको देखते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ कंटेंट यहाँ पे जैसे कट जा रहे हैं तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे तो जो ऑप्टेंड मार्क्स जो है पूरा यहाँ पा रहा था वो भी पूरा आ जाएगा। अब ये हमारा कंटेंट अभी ठीक दिख रहा है लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे इसको बॉर्डर सेट कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे मिल जाता है बॉर्डर का ऑप्शन, ये सॉरी ये। तो यहाँ से जाके हम जो है बॉर्डर किस टाइप का लेना चाह रहे हैं तो हम जो है ऑल बॉर्डर से लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है पूरे बॉर्डर में आ जाए। तो इस तरीके से ऑल बॉर्डर करने के बाद जो है हमारा कंटेंट आ गया। अब इसमें भी हमको क्या करना है, अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा अभी भी कंटेंट जो है उतना जो है अरेंज जो है सही नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट करते हैं और नंबर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है इसको सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई भी कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम जो है सेंटर अलाइनमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। फिर उसके बाद जो हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट में आने के बाद जो है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट के लिए जो है टोटल ऑप्टेंड मार्क्स और परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमको मिल जाता है हाईलाइटर, बैकग्राउंड हाईलाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जाके हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये हमारा जो हमने जो रिजल्ट सीट बनाया, यहाँ पे जो डॉटेड दिख रहा है ये बता रहा है कि इसके आगे अगर जाता तो नेक्स्ट पेज में आता, तो हमारा एक सिंगल पेज में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट बन के हमारे सामने आ गया है। तो इस तरीके से हमने एक जो है सीट को यहाँ पे कन्वर्ट करके देखा और उस सीट में जो है कंटेंट जो थे पहले अनऑर्गेनाइज थे उसको हमने ऑर्गेनाइज करके देखा और हमारा सीट जो है बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सीट जो है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि डेसिमल प्लेस को आप चेंज करना है तो कौन से ऑप्शन में, कौन से मेन्यू में जाएंगे, तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो टेक्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। वहीं पे हमने नंबर को देखा तो नंबर जो है राइट साइड में था तो उसका राइट अलाइनमेंट होता है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमारे जो है सारे चैप्टर के, जो आपके क्लास 9 के सारे जो चैप्टर हैं
आईटी के साथ ही साथ इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल में डला हुआ है। आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी जाके जो है सारे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू आप वहां से देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में जाके जो है सारे जो है चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।